कल शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर रहे। बता दें कि डोईवाला में सुसवा नदी व राजाजी पार्क से आए बरसाती नालों ने पूरी तरह अपना रौद्र रूप दिखाया, जिससे कई घरों में पानी घुस गया और किसानों की धान व गन्ने की फसल नदियों में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो जिस तरह से 2016 में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था, ठीक उसी तरह सुसवा नदी व बरसाती नाले उफान पर रहे। ऐसे में नदियों के किनारे रहने वाले लोग पूरी तरह सहमे रहे। बहुत बारिश हुई और नदियों में बहुत उफान आया। जितने भी गांव के अंदर बरसाती नाले हैं उनमें बहुत पानी आया, कई घरों में मलबा घुस गया है और खेतों की बहुत जो है कटाई कर दी है नदी ने, क्योंकि नदी के किनारे बांधने से बहुत लोगों के खेत भी बह गए। कई घरों में मलबा घुस गया है गाँव के अंदर, नीचे हरिजन बस्ती में और इधर हमारे कामबोल मोहल्ले में भी पानी घुसा है कई घरों में। जो हमारी सुपा नदी है उसमें बहुत बड़े स्तर से पानी आया और काश्तकारों के खेतों की जो गन्ने के खेत हैं उनकी कटिंग करते हुए और उसके तोड़ते हुए कल रात पानी ने गांव में घुसा। जो बरसाती नाले हमारे गांव में राज नेशनल पार्क से आते हैं उससे लोगों के घरों में पानी घुसा और काफ़ी नुकसान कल रात खेत में हुआ। बारिश हुई है उससे तो यही लग रहा है कि काफ़ी नुकसान क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत मोटे स्तर पर बारिश हुई है और सुसवा नदी पूरे अपने उफान पर थी। जिस तरीके से 2016 में सुसवा नदी आई थी उसी तरीके से इस बार भी सुसवा नदी अपने उफान पर थी।